एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें चाहे पॉलिटिक्स की दुनिया की हो या फिर खेलकूद के मैदान से, जानिए अपने फेवरेट बॉलीवुड कलाकार और एंटरटेनमेंट्स की तमाम खबरें। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस चैनल प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर में एक और शर्मनाक वाक़या, हुकूमत को चाहिए कि एक सख्त कानून बनाए ऐसे दरिंदों के लिए, तो शायद मासूमों की ज़िंदगी तार तार होने से बच जाए। फलकनुमा पीएस हदूद चतरी नाका में 45 साल मतीन अली खान, पेशे से ड्राइवर है, ने 7 साल मासूम लड़की की कुछ दिन से इस्मत रेजी कर रहा था। लड़की की खाला ने इस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़की की वालदा ने 20 जनवरी 2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मुजरिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसीपी फलकनुमा जनाब एम ए रशीद ने मीडिया से तफसीलात बताई। 20 तारीख के दिन शाम में शरीम बेगम नाम की लेडी 40 ईयर ओल्ड हमारे पास आके एक कंप्लेंट देगी, उनकी बेटी का रेप हुआ, 7 साल बच्ची का रेप हुआ बोल के कंप्लेंट करे। एक कंप्लेंट के बेसिस पे हम लोग इसको केस रजिस्टर करें 376 और सेक्शन 5(6) ऑफ पॉक्सो एक्ट। इसमें क्या है बोले तो, ये 7 साल की बच्ची जहाँ रहती थी बिल्कुल उनके बाजू में दूसरा टेनेंट, लो भी टेनेंट है, दूसरा टेनेंट जो है मतीन अली खान 35 ईयर्स ड्राइवर है जंगल में शाह, उनके बोलते हैं बच्ची को क्या बोलते हैं शाम के टाइम पे 19 तारीख के दिन 5 बजे सीढ़ियों पर बैठा के अपना घर करते हैं। ये बच्ची की खाला देखने के गुस्सा करते बच्चा क्या बोलते भाग जाके दरवाजा लगा लिया। ये उनकी खाला ला लेके बच्ची को अपने माँ से मिला के जो हरकत हुई वो बोल दी। बोलने के बाद क्या बोलते बच्ची की माँ बच्ची से पूछ लो, बच्ची कन्फर्म करेगी हाँ सही ऐसा हुआ बोलते। इमीडिएटली नेक्स्ट डे आके क्या बोलते लोग कंप्लेंट हुई पुलिस की व्यवस्था अभी उसको आज सुबह में अरेस्ट करें शाम में। ऑलरेडी कोई केस में है? 21 नहीं, फर्स्ट केस है। एक्टिव न्यूज चैनल चेयरमैन जनाब मोहम्मद इम्तियाज अली पेश करते हैं नए साल की नई सौगात तमाम मौसिकी के चाहने वालों के लिए, एक शाम जलीलुर रहमान के नाम। जी हाँ दोस्तों, जलीलुर रहमान हैदराबाद के बाद सलाहियत गुलोकार जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी आवाज का जादू दिखाकर हर जगह के सुनने वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। मिस्टर जलीलुर रहमान के साथ होंगे हैदराबाद के और भी कई टैलेंटेड गुलोकार, मिस नैना खान, मिस सुजाता और मिस्टर एजाज अहमद, मिस्टर राकेश कुमार, मिस्टर अकबर अली, मिस्टर गौस, मिस्टर मौजम अनवर, मिस्टर रहमत अजीज, मिस्टर सैयद हसन भी अपनी आवाज का जलवा बिखरेंगे। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है जनाब मोहम्मद अब्दुल लईब साहब, एमएम एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर। और इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान होंगे जनाब मुनव्वर अली खान साहब, जनाब लायक अली, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीमती लक्ष्मी माधवी, सब इंस्पेक्टर मिस्टर एल रमेश, श्रीमती शांति देवी, मोहम्मद अब्दुल मुक्तदिर, जनाब मोहम्मद जमीर अहमद, जनाब मीर आबिद अली, जनाब अली असगर साहब, मिस्टर मोहम्मद आसिफ अली, मिस्टर इजहार उल हक, मिस्टर सुनील सेठी, मोहतरमा नरजीस फातिमा, मोहतरमा सईदा गौसिया, मिस्टर सईद महमूद, मिस्टर सईद शाह, मिस्टर सैयद हुसैन, मिस्टर जाहिद मिर्जा,
मिस्टर वहीद याद रखिएगा, इस खूबसूरत शाम को सजा कर ला रहे हैं एक्टिव न्यूज चैनल के चेयरमैन जनाब मोहम्मद इम्तियाज अली साहब, जो कि 2002 से लगातार आप सभी को एंटरटेन करते आ रहे हैं। प्रोग्राम इंचार्ज है जनाब मोहम्मद गौस और इस प्रोग्राम की निजामत करूंगा मैं, आप सभी का दोस्त और होस्ट दावर खान। तो याद रखिएगा, एक शाम जलीलुर रहमान के नाम। 27 जनवरी यानी संडे 27 जनवरी 2000